हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे पास किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की कमियों को दूर करने के लिए। इन कमियों को हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो 1780 में विलियम पिट की एंट्री होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उस समय विलियम पिट सिर्फ 21 साल के थे और मात्र 3 साल में यानी 1783 में विलियम पिट ब्रिटेन का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और विलियम पिट के नाम पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज को रेगुलेट या फिर हम कहें कि सुपरवाइज करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी कंपनी का एक्चुअल कंट्रोल जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ही हाथ में था, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन पोजीशंस पर अपना कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ाना चाहती थी और इसके लिए वो लेकर आए पिट्स इंडिया एक्ट। हम लोग इस एक्ट को 6 मेन पॉइंट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट, मोनोपोली ऑफ ट्रेड, उसके बाद कंट्रोल ऑफ कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेशन, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन एंड रेवेन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जो है मोनोपोली ऑफ ट्रेड। हमें यहाँ पर यह जानना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ऑफ ट्रेड में पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली थी केप ऑफ गुड होप के ईस्ट और स्ट्रेट ऑफ मैगलन के वेस्ट की सारी कंट्रीज में ट्रेड करने की। इस ट्रेड मोनोपोली में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। ये ट्रेड मोनोपोली साल 1600 से अब तक यानी 1784 में भी जब पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ तब भी कंटिन्यू रखी गई। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में था। पिछली वीडियो यानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हमने देखा कि कंपनी की पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स का पूरा कंट्रोल ब्रिटेन में बैठे 24 डायरेक्टर्स के हाथ में होता था, जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते थे। यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट ने एक बड़ा चेंज किया। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी की पॉलिटिकल एंड कमर्शियल अफेयर्स को डिवाइड कर दिया और कंपनी की पॉलिटिकल एंड कमर्शियल अफेयर्स को सेपरेटली डील करने के लिए एक नई बॉडी बनाई, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स होते थे और ये कंट्रोल करते थे कंपनी का सिविल, मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर्स को, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब सिर्फ कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ही कंट्रोल करेंगे। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या में कोई चेंजेस नहीं किया गया। यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक प्योरली गवर्नमेंट बॉडी थी जिसको प्रेसाइड करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके अलावा 4 प्रिवी काउंसलर्स होते थे और 1 एक्सचेकर। 4 प्रिवी काउंसलर्स को नॉमिनेट करता था ब्रिटिश किंग। यानी यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ड्यूअल गवर्नमेंट या फिर ज्वाइंट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई, ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। साथ ही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को, जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते थे या इन्फ्लुएंस करते थे, उनकी कंट्रोलिंग राइट्स बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। तो ये थी चेंजेस जो कंट्रोल ऑफ कंपनी में किए गए। अब डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हमने देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स होते थे। अब पिट्स इंडिया एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स को रिड्यूस करके 3 कर दिया गया। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट में, जो है सेंट्रल लेजिस्लेशन। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि अगर गवर्नर जनरल को कोई लॉ पास करना है तो गवर्नर जनरल और उसकी 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी टोटल 5 लोग वोटिंग करते थे और मेजॉरिटी वोटिंग के बेसिस पे फैसला होता था कि लॉ पास होगा या नहीं। अब सोच के देखो कि अगर गवर्नर जनरल कोई लॉ पास करना चाहता है मगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 3 मेंबर्स बिल के अगेंस्ट में वोट कर दें, तो गवर्नर जनरल चाहे भी तब भी इस बिल को पास नहीं करा पाएगा। तो यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट ने गवर्नर जनरल की पावर्स को बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की संख्या घटाकर 3 कर दी। मतलब अब बिल के लिए कितने लोग वोट करेंगे, गवर्नर जनरल और 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स यानी 4 वोटर्स। इसका मतलब अगर गवर्नर जनरल के फेवर में एक भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर वोट डाल देता है तो 2-2 से टाई हो जाएगा।
और क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई थी, इसीलिए बिल पास हो ही जाएगा। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट ने गवर्नर जनरल की पावर्स को काफी हद तक बढ़ा दिया था। तो ये थे चेंजेस जो सेंट्रल लेजिस्लेशन में किए गए। अब देखते हैं कि प्रोविंस लेवल पर क्या क्या चेंजेस किए गए थे लेजिस्लेशन में। पिट्स इंडिया एक्ट ने काउंसिल ऑफ मद्रास और बॉम्बे को भी मॉडिफाई कर दिया था ऑन द लाइंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। मतलब यहाँ मद्रास और बॉम्बे में भी गवर्नर जनरल काउंसिल में तीन तीन मेंबर कर दिए और इन दोनों में कमांडर इन चीफ अपॉइंट कर दिए गए। ओके, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के चेंजेस भी कवर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ और वो ये कि पिट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटोरियल पोजीशंस को ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कहना शुरू कर दिया। वो इसलिए कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को ये मान्यता दे दी थी कि अब से जितनी भी इंडियन टेरिटरीज पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा है, उन सब टेरिटरीज पर अब से एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही राज चलेगा। तो यहाँ पर हमने पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के ड्रॉबैक्स और उसके बाद चार्टर एक्ट 1830। बुक्स तवा चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए बुक्स तवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।